केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों का किसान सभा ने विरोध किया है। सभा की जिला कांगड़ा इकाई ने धर्मशाला में जुलूस निकालकर डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। किसान सभा के नेताओं का कहना है कि इन विधेयकों के पारित होने से देश के 4 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। किसान सभा का कहना है कि कोरोना से निपटने में सरकार नाकाम रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। किसान सभा ने केंद्र सरकार से बहु ब्रांड कंपनियों को खुदरा व्यापार में आने से रोकने और किसानों के हित में कृषि विशेषज्ञ स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करें। किसान सभा की मांग है कि MSP पर नया कानून बनाकर किसानों के उत्पादों को सरकार खुद खरीदे और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों के उत्पादों की खरीद हेतु खरीद केंद्र खोले जाएं। वहीं सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन पर पुनर्विचार करे। किसान सभा जिला कांगड़ा के महासचिव सतपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि विधेयक पास किए हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। केंद्र सरकार लगातार जनता व किसानों के साथ झूठ बोल रही है, जो कि पकड़ा जा रहा है। वर्ष 2014 में भाजपा ने चुनावी वादा किया था कि बहु ब्रांड कंपनियों को खुदरा व्यापार में शामिल नहीं होने देंगे, लेकिन सत्ता में आने पर बहु ब्रांड कंपनियों को खुदरा व्यापार में एंट्री दे दी। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों का सीधा फायदा बड़ी कंपनियों को जाएगा, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ये जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि विधेयक जो पास किए हैं, हम इनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हम ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति जी को, क्योंकि अभी इस बिल के ऊपर जो है राष्ट्रपति जी के दस्तखत नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हो जाते तब तक ये कानून अभी नहीं बनेगा। केंद्र सरकार लगातार जनता के साथ और किसानों के साथ झूठ बोल रही है, और इनका झूठ जो है एक एक क्षण में पकड़ा जा रहा है। जब इन्होंने चुनावी वादा किया था 2014 में कि हम जो है खुदरा व्यापार में बहु ब्रांड कंपनियों को इसमें शामिल नहीं होने देंगे, परंतु जैसे ही सत्ता में आए तो इन्होंने बहु ब्रांड कंपनियों को खुदरा बाजार में एंट्री दे दी। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पूरा देश खुदरा ब्रांड बाजार जब कंपनियां जो है बाजार में आ गई, उसमें सबसे बड़ी कंपनी जो है वॉलमार्ट और अमेजॉन और वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट को 18 अरब रुपए में खरीद लिया, और इसलिए खरीदा क्योंकि उन्होंने खुदरा व्यापार में एंटर करना था, और उनके फायदे के लिए हमारी केंद्र सरकार ने ये जो 3 कृषि विधेयक पारित किए हैं इन्होंने, सीधा सीधा फायदा उन लोगों को जाएगा। और सबसे खतरनाक बात जो है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, कानून था, कि आवश्यक वस्तुओं का जो है भंडारण प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती थी, अब जब उन खाद्य वस्तुओं का भंडारण कर लेगी तो पूरे भारतवर्ष में अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी, और कंपनियां जो हैं अपने अधिकतम मुनाफे कमाने के लिए जो है वो जो है उसको सट्टा बाजार में लगाएंगे, पूरे अनाज को सट्टा बाजार में लगाएंगे, और यहाँ तक किल्लत यह आ जाएगी कि हमारी जो ये जो डीपुओं के माध्यम से जो अनाज अभी मिल रहा है ये मिलना जो है बंद हो जाएगा, और उससे अकाल की स्थिति पूरे देश में पैदा हो जाएगी। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, मैं जिला कांगड़ा से संबंधित हूँ, यहाँ पर आलू की पैदावार जो है होती है, जब आलू किसान के हाथ में होता है तब आलू की कीमत जो है 600 रुपये प्रति क्विंटल से जो है वो खरीद करके ले जाते, और आज की डेट में आलू किस भाव जो है कांगड़ा में बिक रहा, आज की डेट में आलू जो है 45 और 50 रुपये के भाव से आलू बिक रहा। तो अभी तो छोटे छोटे आढ़ती जो है आलू को खरीदते थे, पर जब बड़ी कंपनी जो है इन खाद्य मालों को जो है कंट्रोल कर लेगी तो वो तो मनमाने तरीके से जो है वो भाव जो है ऊपर उसके चढ़ेंगे। तो हमें आशंका है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है केंद्र की जो है
हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। एक एक आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया पार्लियामेंट में कि कितना काला धन जो है इन्होंने विदेशों से पकड़ा और भारत वर्ष में कितना काला धन वापस लाया। नोटबंदी में इन्होंने झूठ बोला, उसके बाद जो है एक एक कदम के ऊपर इन्होंने झूठ बोला। आज पूरे देश को ये खतरे में डाल चुके हैं, ये है हकीकत।